सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। तो गाइज ये है BS6 बाइक, TVS की रेडियन बाइक है और इसके अंदर हम क्लच प्लेट डालने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको किक को खोलेंगे यहाँ से, उसके बाद जो क्लच कवर लगा है उसके ऊपर 10 बोल्ट लगे हैं 8 mm के, उनको खोल लेते हैं। उसके बाद क्लच केबल को अलग करेंगे यहाँ से। बोल्ट खुलने के बाद क्लच कवर को हम प्लास्टिक के हथौड़े के साथ इस तरह से थोड़ा सा हिट करेंगे और क्लच कवर को यहाँ से अलग कर देंगे। अब क्लच कवर खुलने के बाद जो ये हमारा क्लच में जो वेट लगा है उसके ऊपर 3 बोल्ट लगे हैं 10 नंबर के, उनको हम 10 की सॉकेट के साथ खोल लेते हैं। अब तीनों बोल्ट खुलने के बाद प्लास्टिक की हथौड़े के साथ इस प्लेट को हल्का सा हिट कीजिए और जो ये प्लेट है इस तरह से अलग हो जाएगी। उसके बाद जो TVS रेडियन के अंदर बदलाव किया गया है इस नट का किया गया है, तो नट जो है अब इसके अंदर 17 नंबर का लगेगा, लेकिन देखने में ऐसा लगता है हमें ये जैसे पहले ही खुला हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा रोशनी करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे इस नट को तो आप देखेंगे कि ये शायद थोड़ा सा ये पहले ही खुला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इतना ही इसके अंदर टाइट होगा, ये आप ध्यान रखें। और अब इसमें जो थ्रेड है, जो चूड़ी है, वो सीधी है या फिर उल्टी है वो देख लेते हैं। जो इसके अंदर चूड़ी दी गई है वो क्लॉकवाइज दी गई है, यानी कि जो उल्टी चूड़ी है जैसा कि TVS स्पोर्ट्स वगैरह में होता है वैसी ही चूड़ी जो है इसके अंदर भी दी गई है। चलिए इसको अब खोल लेते हैं। इस नट को खोलने के लिए हमें 17 mm की एक सॉकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहे तो यहाँ गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जो GPT होल्डर है उसका इस्तेमाल करके रोड के द्वारा भी इस नट को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर बस चूड़ी का फ़र्क है, चूड़ी इसमें जो है उल्टी है, यानी कि क्लॉकवाइज ये खुलेगा। इस नट के नीचे एक वासल दी गई है, उसको आप निकाल लीजिए। तो ये इस तरह की वासल इसके नीचे दी गई है और यहाँ पर एक काटर दी गई है, लंबी काटर दी गई है। और इसका जो यहाँ पर जो इसका GPT गियर है या फिर जिसको हम प्राइमरी गियर बोल देते हैं उसको आप देख सकते हैं, किसी भी साइड से आप डाल सकेंगे, लेकिन हो सके तो जिस साइड से डाला हुआ है उस साइड से ही डालें जब आप इसको फिटिंग करेंगे, ताकि जो इसके अंदर एक आवाज़ आने लगती है इसको चेंज करने से कों कों की, वो साउंड नहीं आएगी। तो पहले इसको मार्किंग कर लें, आपको जिस साइड से इसको निकाला है उस साइड से ही डालें तो ज़्यादा बेहतर। तो अब जो इसका क्लच है उसको खोल लेते हैं। पहले क्लच की ठेसी को निकालेंगे, इसके अंदर एक गोली दी होती है इस तरह से। और अब हम इसका जो इसकी हब और सेंटर है उसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले जो इस पर लिफ्टर प्लेट लगी है, लिफ्टर प्लेट पे 4 बोल्ट लगे हैं 10 नंबर के, उसको हम खोल लेते हैं। और ये प्लेट खोलने के बाद ये स्प्रिंग वगैरह आप निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो नट लगा है उसमें आपको स्पेशल टूल लगाना पड़ेगा। पहले हम इसमें जो क्लच होल्डर है वो लगाएंगे और उसके बाद जो स्पेशल पुलर होता है उसको लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, इसमें जो चूड़ी है वो सीधी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से आप गन का इस्तेमाल करके या रोड का इस्तेमाल करके उसको खोल सकते हैं। तो देखिए हमारा जो नट है वो खुल चुका है। उसके बाद ये वासल निकालें और वासल निकालने के बाद इस तरह से क्लच प्लेट को बाहर निकाल दें। तो अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा, कैसी कंडीशन है इसकी क्लच प्लेट की, तो आप देखिए ज़रा। तो यहाँ पे देखेंगे क्लच प्लेट पे जो लेदर होता है वो बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है, देख रहे हैं हम, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। एक साइड में है, एक साइड से बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो इसलिए हम इसकी क्लच प्लेट को जो है चेंज करना पड़ रहा है। तो चलिए अब इसको चेंज करते हैं, इसकी सभी प्लेट को निकाल लेते हैं। तो गाइज हमने सभी प्लेट को निकाल दिया है, निकालने के बाद हमने इसको क्लीन अच्छी तरीके से कर दिया है, देख सकते हैं पूरा साफ़ करने के बाद। अब बारी है इसकी फिटिंग की। तो इसमें जो क्लच प्लेट लग रही है दोस्तों वो TVS स्पोर्ट्स वाले ही लगेगी, इसमें कोई अलग से जो BS6 बाइक है उसके अंदर कोई अलग से प्लेट जो है वो दी नहीं गई, तो यही प्लेट इसके अंदर लगेगी जो TVS स्पोर्ट्स वगैरह में लगती थी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कंपनी ने जो है TVS की प्लेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, केवल TI2 कुछ इस तरह के नंबर वगैरह लिखे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खास इसके अंदर नहीं लिखा गया है जिससे आप इसकी पहचान कर सकें। और इसके जो हब है वो मकीनो की है और जो सेंटर है वो भी इसका मकीनो का है। तो चलिए क्लच प्लेट को फिट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट लगाएंगे, उसके ऊपर जो प्रेशर प्लेट है उसको लगाना है। प्रेशर प्लेट का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर प्रेशर प्लेट जो है एक तरफ से खुरदरी होती है, एक तरफ से प्लेन होती है। एक तरफ से उभरी होती है जिस तरह ये उभरा हुआ हिस्सा है और एक तरफ से प्लेन होता है। तो जो उभरा हुआ हिस्सा है या तो आप उसको ऊपर कर लें या फिर नीचे कर लें। जिस तरह से आप एक प्लेट को डालेंगे प्रेशर प्लेट को, आपको तीनों प्लेट जो है उसी तरह से डालनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने जो उभरा हुआ हिस्सा है वो ऊपर किया है, ठीक है, तो जो सभी हिस्से हैं हम प्लेट के
वो ऊपर ही करेंगे जो प्रेशर प्लेट है उसके, और इस तरह से आप तीनों प्लेट को जो है यहाँ पर फिटिंग कर दिए। तो इस तरह से देखिए हमने जो प्लेट है वो फिट कर लिया। अब यहाँ पे निशान देखिए आप, ये निशान देख रहे हैं, और जो हम में निशान है ऐसे ही सेंटर में भी निशान है, ये गोल गोल, ठीक है, एक डॉट से का निशान है। तो आपको इसको सीध में नहीं रखना है, यहाँ पर जो है आपको यदि इसको सीध में रखेंगे तो पहली बात तो ये फिटिंग नहीं होगा, आपको इसको अपोजिट करना है, डॉट की सीध में डॉट नहीं करना है, ठीक है, आमने सामने नहीं करना, ही करना उसके विपरीत डालना है इस तरह से, तब ये फिट होगा। यदि आप इसको फिट करना भी चाहेंगे सीध में करके दोनों डॉट को मिला के, तो ये फिट नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इस तरह से फिटिंग ही नहीं होगा यदि आप डॉट की सीध में डॉट रखोगे, डॉट के सीध में डॉट नहीं रखना है, इस तरह से फिटिंग करेंगे तो ये असेंबल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्लच आउटर को डालते हैं। क्लच आउटर डालने के बाद हमें ये बुश डालना है, उसके बाद क्लच प्लेट को हम लेंगे यहाँ पर और इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले आपको बाइक को गियर में डालना है, तभी ये फिटिंग अच्छे से होगा। फर्स्ट गियर में डालें या सेकंड में डालें, देखिए ये अच्छे तरीके से जो है प्लेट बैठ चुकी है, तीन प्लेट एक कट में और एक प्लेट अलग कट में। तो उसके बाद यहाँ पर ये वाशर लगाएंगे, वाशर लगाने के बाद हमें ये नट लगाना है, और नट लगाने के बाद हमें क्लच होल्डर लगाना है। क्लच होल्डर लगाने के बाद हमें पुलर लेके रॉड की मदद से, या फिर आपके पास यदि इंपैक्ट गन है उसका इस्तेमाल करके आप इस नट को टाइट कर दीजिए, और उसके बाद ये जो हमने चार स्प्रिंग निकाले थे उसको लगाइए, उसके बाद ये जो चार बोल्ट थे उनको बराबर टाइट कीजिए। उसके बाद जो लिफ्टर प्लेट है उसमें बैरिंग डालेंगे, बैरिंग इसमें 6001 नंबर होता है। उसके बाद जो प्राइमरी गियर है उसमें जो काटर लगा के हमें जो वेट खोला था उस वेट को वैसे ही उसकी सीध में करके, काटर की सीध में करके इस तरह से अंदर डाल देना है। डालने के बाद जो वासल हमने यहाँ से निकाली थी उस वासल को हमें लगा देना है, और जो नट हमने इस पे जो 17 नंबर का नट इससे खोला था उसको लगा देना है। यहाँ पे ध्यान रखें इसमें थ्रेड जो है वो अब जो टाइट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर आप चाहे तो GBT होल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि आपके पास गन नहीं है, लेकिन हमारे पास इम्पैक्ट गन है तो हम उसके द्वारा जो है इस नट को टाइट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया है पूरा अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये उसकी प्लेट लगाएंगे वेट की, और जो नट हमने खोले थे इसमें से 10 नंबर के उनको लगा देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर जो ठेसी है उसके अंदर हमें जो है जो गोली हमने निकाली थी उसको इस तरह से डालना है और यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद क्लच कवर को जो है फिट कर देना है। पैकिंग वगैरह फट गया हो तो नया लगा दें, और यदि सही हो आपको लगे अपने तजर्बे के हिसाब से तो आप उसको ही लगा सकते हैं। ठीक है, और गाइस उसके बाद हमें एक जो क्लच केबल है उसको लगा देना है इस तरह से, और उसकी सेटिंग कीजिए क्लच की। थोड़ा सा प्ले जरूर छोड़ें जब भी आप क्लच प्लेट डालें यहाँ पर, तो इस तरह से प्ले छोड़ें, और अब बाइक के अंदर नया इंजन ऑयल डालें और आपकी बाइक जो है अब रेडी है।